महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करा रहा है ललिता शास्त्री स्नेही सेवा संस्था डॉक्टर नीता सिंह। गौरतलब हो कि विधानसभा शहर पश्चिमी पिछले कई सालों में लगभग कई महिला समूह ललिता शास्त्री स्नेही सेवा संस्था से जुड़कर कई क्षेत्रों में आचार, बेकरी, टेलरिंग, अगरबत्ती तथा मोमबत्ती, हर्बल, गुलाल, चप्पल बनाने आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेकर टूल किट प्राप्त करते हुए लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़कर स्वावलंबी बन रही हैं। आज इस संस्था से लगभग 2000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के मार्गदर्शक और अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की पत्नी डॉक्टर नीता सिंह लगातार महिलाओं को प्रेरित कर आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित कर सहयोग देने में जुटी हैं, जो कि संस्थान की अध्यक्ष हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इस संस्थान के संरक्षक हैं और राम लोचन साहू संस्थान के महामंत्री हैं। आज शहर पश्चिमी के पूरा मुफ्ती उर्फ बीका गांव में ललिता शास्त्री स्नेही सेवा संस्था के महिला समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर नीता सिंह ने इस संस्थान से जुड़ी महिलाओं को कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि हम इन महिलाओं को सरकार की ओर से योजनाओं के बारे में बताते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार करके स्वावलंबी बन सकें। वोकल फॉर लोकल के सपनों को साकार करने के लिए ललिता शास्त्री स्नेही सेवा संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर नीता सिंह विधानसभा शहर पश्चिमी प्रयागराज से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहित करने में लगी हैं। डॉक्टर नीता सिंह ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के कठिन दौर में संस्थान की महिलाएं सैनिटाइजर, फेस कवर बनाने का कार्य करके स्वावलंबी बन रही हैं। हर महिलाओं को अपने हुनर का सही जगह पर इस्तेमाल कर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। प्रयागराज से सुनील साव की रिपोर्ट। यहाँ पे महिलाएं आई हैं, तो ये महिला समूह क्या, ये क्या कार्य कर रही है समाज में? ये हमारा समूह है महिलाओं का, ललिता शास्त्री संस्थान के नाम से। तो यहाँ की शहर पश्चिमी की महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, करीब 2000-2500 करीब महिलाएं हैं, और इनको सरकार की स्कीम के तहत हमको कई सारी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि अगरबत्ती बनाने की, सिलाई की, कढ़ाई की, अचार बनाने की, पापड़ वगैरह बनाने की। इससे भी महिलाएं घर घर में ये समूह बनाती हैं, सारा समूह बना के ये अपना एक रोजगार की तरह शुरू कर सकती हैं, जिससे कि इनके अंदर ताकत रहे, शक्ति रहे, और ये अपना छोटा छोटा व्यापार अपने घरों से कर सकती हैं। तो इसमें उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, आपके द्वारा इनके क्या मदद दी जा रही है? हम तो इनको सरकार की स्कीमों के बारे में सब बताते हैं जी, और इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं जी, जगह जगह इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसके तहत इनको पैसा भी मिलता है थोड़ा सा सीखने का, जिससे फिर ये आगे जाके और गांव की महिलाओं को मिलती है और इनको उनको भी ट्रेन करती है। ऐसा ही करते हैं, सरकार भी अपना इनको पैसा दे रही है, जिससे ये जैसे कि कहीं अगरबत्ती मशीन खरीद लें, चप्पल बनाने की मशीन खरीद लें, और ये फिर उस समूह के तहत ये अपना वो बना के इसको बाजार में बेचते हैं, और इनसे इनको व्यापार मिलता है, उनका बिजनेस बढ़ता है। नाम क्या आपका? कितनी महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं अब तक? कितनी महिलाओं को लाभ मिल चुका है इस योजना से? आपको ये बताएं कि ये हमारे समूह की अपना परिचय बता दें। अपना नाम डॉक्टर नीता सिंह।